कोई नहीं लिखो बाहर वाला दिया टाइटैनिक कट गया टाइटैनिक की जगह है ना क्वार्टर उसमें डाल दो ये उसमें डाल दो दो इसमें से उठेंगे नहीं नहीं दो बार इसमें से करिए दो बार इसमें इसमें ज्यादा है स्टेपलर लो पहले नाइट क्लब मुरादाबाद अब रुक जाना भैया चाल रुक जाओ यार अब थोड़ी सी शांति बनाएंगे पहले ना बोलिए मेरा बिना पर एक ही आदमी उठाओ चमन का काला बुलाओ न्यू फूलबाग लखनऊ चलिए पहली जो टीम आ रही है ये हमारी है फूलबाग और लखनऊ की और न्यू चमन है मुरादाबाद की सब लोग मुस्कुरा के इधर कैमरे की तरफ देखिए मुबारक हो तो पहली टीम है ये दो निकली है और जे एस काइट क्लब मुरादाबाद जे एस काइट क्लब आपको मैं बता देता हूँ कि ये रनर अप रहे थे जयपुर ऑल इंडिया में वही जे एस है ये और अद्धि का एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो बुनियाद बाग में किया जा रहा है आगा स्पोर्टिंग काई टूर्नामेंट 2024 का आयोजन जो है बुनियाद बाग मैदान में सादतगंज में किया जा रहा है छन्नन भाई इसको जो है संचालित कर रहे हैं बाकी सारी कमेटी मेंबर्स वो आप जान ही रहे हैं जो ऑल इंडिया में थे लगभग सब वही हैं ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है हमारे साथ बने हुए हमारे तिवारी हाँ क्या चैनल का नाम है आपके बता दें तिवारी गाइड लखनऊ चैनल के मेंबर बने हुए हैं वो भी बना रहे हैं वीडियो और मेरी वॉइस जो है आपको सुनाई दे रही है क्योंकि अगर हम दोनों बोलेंगे तो गड़बड़ होगा तो ये समझदारी की बात करी है कुछ नियम और कानून यहाँ पे लिखे हुए हैं जितने भी शहर के लोग देख रहे हैं जो इस आयोजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो यहाँ पे नियम कानून पढ़ सकते हैं यहाँ पे पढ़ सकते हैं अपना पॉज करके पढ़ लीजिएगा जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा जिसके लिए हम जो हैं हमेशा कार्यरत थे चौथा और पांचवा जो आपको दिख रहा है पॉइंट वही है जूता और टी शर्ट पहन के लड़ाना अनिवार्य है और हाँ छठा पॉइंट किसी भी खिलाड़ी को शराब पीकर क्रीज में पतंग लड़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी कुल मिला के ये है बहुत बढ़िया डिसीजन और ये वीडियो इसलिए भी बनाई जा रही है कि ताकि जो है पारदर्शिता बनी रहे यानी कि किसी भी तरह का ऐसा ना हो कि मेरे साथ कुछ अलग किया गया है गलत किया गया है इसीलिए इसकी वीडियो बनाई जा रही है आपको टाई बकायदा दिखाई जा रही है टोटल जो है इस अधिक काई टूर्नामेंट में 128 टीमें भाग ले रही हैं
कुछ जानकारी हम सिमी भैया से भी जान लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। सिमी भैया बहुत उम्दा उम्दा चीजें हैं, चीजों का नाम पूछिए, जब लड़ाएंगे तभी पता चलेगा क्या क्या चीजें हैं। कुछ नियम कानून जैसे क्या नियम कानून, वही ऑल इंडिया वाले हैं, जूते पहन के लड़ाना है आपको, नंगे पैर लड़ाएंगे पैर छिल जाएंगे वहाँ गिटिया बोलते हैं, ध्यान रखिएगा नंगे पैर नहीं लड़ाना है। रहना खाना है ही नहीं, दिन में खाना है, परेशान ना होइए, खाना है खाना है। चलिए कुछ चीजें बाद में करेंगे क्योंकि टाई जो है टाई पड़ रही है। टाई पड़ने का मतलब ये होता है कि कौन सी टीम किन से लड़नी है। हाँ चुप पे रहेंगे थोड़ा सा, पार्क सर्कस हाँ कलकत्ता की टीम है। अरे सभी बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा, सब बोल रहे हैं। अरे यार हम कह रहे हैं सभी बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं तो गड़बड़ हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। तो कुल मिला के बहुत ही ज्यादा जो है एक्साइटमेंट है, सभी बात कर रहे हैं। कुछ नियम और भी लिखे हुए हैं मैं बताता चलता हूँ। 300 मीटर से 500 मीटर तक ये पेच लड़ेंगे, पेच सही होने के बाद पेच लड़ने से पहले पतंग तार में फंस जाती है, अन्य किसी तरह से वो कट जाती है तो पेच बराबर माना जाएगा। दो पतंग एक साथ उड़ानी होगी तभी पेच लगातार कराए जाएंगे। जूता टी शर्ट पहनना ही है, फीस फॉर्म के साथ और फिक्स्चर से पहले जमा करनी होगी। भैया फीस जो है जमा कर दीजिए अभी तक जिसने नहीं की है, दारू वारू नहीं पीना है। पेस सही होने के बाद कट काट से पहले अगर फ्रंट अंपायर की सीटी बच जाती है तो पेज कैंसिल माना जाएगा। तीन बार पेज कैंसिल होने के बाद कमिटी कोई भी निर्णय नहीं ले सकती, ले सकती है माफ कीजिएगा ले सकती है। एक पतंग से छह काटने पर 500 इनामात तो खैर बहुत सारे हैं, इनाम तो बहुत है। किसी भी क्लब को पहले राउंड में वॉक ओवर नहीं दिया जाएगा, दूसरा मुकाबला लड़वा कर दिया जाएगा, यानी पहला राउंड जो लड़ाना है। इसके अलावा किसी भी क्लब की पतंग तीन बार खराब होने पर उस क्लब का पेस कटे में दे दिया जाएगा। भैया ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, तीन बार पतंग ना खराब होने देना। तो ये कुछ नियम कानून थे मैंने बता दिए आप सभी को। बाकी जो है टाई यहाँ पे पड़ रही है, अभी थोड़ी देर में लिस्ट आ जाएगी तो बता दिया जाएगा। यहाँ पे ताबिश भाई भी आ गए हमारे, एक जानकारी और दे दे आपको, 6 मैच जीतने हैं फाइनल के लिए, 7वां अगर जीत लेंगे तो फाइनल जीत जाएंगे। अभी तक जैसा जानकारी मिली है यानी आपको पूरे 6 मैच जीतने हैं फाइनल के लिए। अधि गाइड का टूर्नामेंट दोस्तों इतना बड़ा पहली बार मैं देख पा रहा हूँ, ये एक तरह से मिनी ऑल इंडिया है। हालांकि मैंने कहा कि ऑल इंडिया तो एक ही होना चाहिए, वो एक ही होना चाहिए, खैर ये ऑल इंडिया नहीं है लेकिन ऑल इंडिया से कम नहीं है। ताबिज भाई यहाँ मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं, एक और बड़ा मैच जो है जीतने को मिल सकता है। विकास दद्दा मुख्तार भाई हमारे, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं लगातार आपको नियम दिखाते जा रहा हूँ, तफरी मस्ती मजाक चलते हुए। और ये वीडियो मैं बता दूं इसीलिए बनाई जा रही है ताकि जो है पारदर्शिता बनी रहे, यानी किसी भी तरह का किसी के साथ अनफेयर ना हो, सबके साथ फेयर गेम हो। और ये बिल्कुल जो है किसी को नहीं मालूम है किस पर्ची में कौन सी टीम है। देखिए उठाने का तरीका भी आप देख रहे हैं, किसी को नहीं मालूम है किस बास्केट में या किस कटोरी में कौन सी टीम है। और इसी तरह से टीमें बनाई जाती हैं और इसको फिक्स्चर भी बनाना कहते हैं, फिक्स्चर बन रहा है एक तरह से। 128 टीमों का ये अधिकाइट टूर्नामेंट होना है जिसमें 6 पेच होंगे, 2 खिलाड़ी होंगे एक क्लब से। नियम कानून लगभग वही है जो ऑल इंडिया में थे, तो आपको ये समझना है एक टीम से 2 खिलाड़ी 6 पेच लड़ाएंगे। 128 टीमें हैं, गुटका अलाउ नहीं था कोई बात नहीं, क्रॉप कर देंगे। ये देखिए भाई विजय काइट क्लब कलकत्ता,
कुछ क्लबों के नाम जो है कुछ क्लबों के नाम आप देख सकते हैं, उस्ताद लिख रहे हैं हमारे लखनऊ की आन बान शान हमारे। आप लिखिए मुगल काइट क्लब, कुछ क्लबों के नाम उनके द्वारा लिखवाए जा रहे हैं। ये सब करा के एक कहते हैं कि ऑथेंसिटी बताई जा रही है। काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं। इधर आयुष हैं हमारे, समीर भी अभी आए हैं। कैसे हैं समीर? बहुत बढ़िया। और सभी सीनियर खिलाड़ी जितने भी लखनऊ के दबंग खिलाड़ी हैं आपको देखने को मिल रहे हैं, सभी लोग मौजूद हैं। उन सभी की मौजूदगी में इस टूर्नामेंट की टाई पड़ रही है। टाई पड़ने का मतलब होता है एक दूसरे से जो गेम होना है वो टीमें सामने आ रही हैं, और इसको सेलेक्ट करने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है जिसको हम लोग को भी नहीं पता होता है। पर्चियां सब में डाल के उसके बाद एक बास्केट से निकालना है। भैया टाई पड़ रही है, आप सभी लोग देख लो। भैया टूर्नामेंट वही लेकिन पतंग अच्छी। हमारे शकील भाई हमारे देख लीजिए, इनको बड़ी मेहनत कर रहे हैं। पापा पापा आए हमारे लिए क्या लाए, कुछ भी लाए हो, इससे आप लोग को कोई मतलब नहीं। टूर्नामेंट की टाई पड़ रही है, देख लीजिए आप लोग बहुत जबरदस्त। और हमेशा की तरह आप बता दूं ये हमें हमारा हमारी की टाई पड़ रही है बुनियाद का टूर्नामेंट। तो ये सिमी भैया अपने अंदाज में बताते हुए कि भैया टाई पड़ रही है। टाई पड़ने का मतलब बहुत लोग को नहीं पता है, मैंने बता दिया है। और इसी तरह के ऑल इंडिया भी टाई पड़ती है, और ये है तो एक तरह से लोकल गेम, लेकिन इसको नेशनल लेवल का बना दिया गया है क्योंकि हर राज्य से टीमें आ सकती हैं, है ना? आई हैं मतलब वही कलकत्ता है, मुरादाबाद है, बरेली है, हर तरह की टीमें आई हुई हैं। कानपुर है, बाराबंकी से भी शायद आई होंगी। हाँ, इलाहाबाद की बड़ी बड़ी टीमें हैं, मुरादाबाद की बड़ी बड़ी टीमें हैं। तो नाम भले ही अधिक आई टूर्नामेंट है, लेकिन ये बहुत बड़ा भयंकर पतंगबाजी का एक टूर्नामेंट होने जा रहा है। 128 टीमें भाग ले रही हैं, और अभी कुछ देर में आपको दिख जाएगा 128 टीमें कैसे लड़ेंगी, किससे लड़ेंगी। 6 पेज का गेम होगा, 2 खिलाड़ी होंगे एक टीम से, 128 टीमें रहेंगी। हाँ, अपना जो है रहना खाना आपको अपना देखना होगा, बाकी गेम लड़ाना होगा, जीतना होगा। जीतने पे इनामात इतने हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। डाला लाना पड़ेगा, विकास दद्दा कह रहे हैं डाला, छोटा डाला। हाँ कसम से छोटा डाला लग जाएगा, अगर आप चाहे जीते चाहे हारे फाइनल में चाहे जीतिए चाहे हारिए, छोटा डाला लग जाएगा आपका। गोंडा से एक टीम आ रही है, स्काई का एक क्लब है ना, कोई और नहीं। अच्छा, गोंडा की टीम जो है वो स्काई से लड़ेगी। तो एक चीज और समझ में आई, पता चली कि भाई गोंडा से भी टीम आ रही है। तो गोंडा के सारे जो लोगों को है बधाई है भाई। भैया
किससे क्या हुआ? किसी को भेजिए कभी भैया टूर्नामेंट टूर्नामेंट किससे किससे होना है? किसका यूनिटी राका आका राका फेस है का नहीं उधर से बड़ा तुम दो टीम नवाब लखनऊ किससे इंटरनेशनल टीम है सेवन स्टार तो 64 टीमें यानी 128 टोटल टीमों का जो टाई है वो पड़ चुकी है, पूरी लिस्ट बन चुकी है। थोड़ी देर में अभी आपको मालूम चल जाएगा, हमारे जेडी भाई भी आ गए, थोड़ी देर में मालूम चल जाएगा कौन किससे लड़ेगा। अभी पूरी 64 अभी 64 टीम का हो गया, अभी पूल बनेंगे। हाँ हाँ करेक्ट, 128 टीम निकल जाएगी, निकल आइए। अब पूलों में बांटा जाएगा, पूलों में बांटा जाएगा ए बी सी डी। 128 टीमों का पता चल चुका है कौन किससे लड़ेगा, यानी 64 मैच होंगे एक तरह से, लेकिन अभी जो पूल है कौन किस में पड़ा हुआ है वो आपको एक दो दिन में चैनल पे ही दिख जाएगा और ग्रुपों में पता चल जाएगा, जो ए बी सी डी ऐसे टीमों में डिवाइडेड हैं। ठीक है ना दोस्तों, बने रहे काइट कल्चर पे।